घंटे बाद भी नहीं किया गया अंतिम संस्कार। 6 दिन पहले बदमाशों ने मारी थी गोली। मंगलवार को हुई थी धर्मेंद्र की मौत। मांगों को लेकर जिद पर अड़ा परिवार। सुल्तानपुर में कुड़वार थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड में अभी तक पुलिस और पीड़ित परिवार को राहत नहीं मिली है। बीते मंगलवार को गोलीकांड में घायल हुए धर्मेंद्र निषाद ने दम तोड़ दिया। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। बुधवार की शाम धर्मेंद्र का शव उनके घर पहुंचा तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। आपको बता दें, ये पूरा मामला कुड़वार थाना क्षेत्र के कोडियारा गांव का है, जहां बीते 5 मार्च को अर्जुन और धर्मेंद्र को गोली मार दी गई। रात करीब 8 बजे ये दोनों अपने काम से लौट रहे थे और तभी इनके सामने से आकर बाइक सवार बदमाशों ने इन्हें गोली मारी और फरार हो गए। इस दौरान धर्मेंद्र के पेट में गोली लगी और अर्जुन के हाथ में। दोनों को प्राथमिक उपचार देने के बाद अच्छे इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। काफी कोशिश के बाद भी धर्मेंद्र की जान नहीं बचाई जा सकी। मंगलवार यानी 7 तारीख की शाम को लखनऊ में धर्मेंद्र ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद 8 तारीख को धर्मेंद्र का शव उनके गांव पहुंचा। शव के गांव पहुंचते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि यहां परिवार अंतिम संस्कार करने से मना करने लगा, जिसके बाद प्रशासनिक टीम ने काफी ज्यादा लोगों को मनाने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक मृतक का परिवार एक शस्त्र लाइसेंस, 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी की मांग कर रहा है। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने महज 4 घंटे के अंदर ही प्रीतम पांडे और अभय यादव नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया था और इसी के बाद अगले दिन 2 और आरोपी भी गिरफ्तार किए गए थे। धर्मेंद्र की माँ, पत्नी, बेटा और भाई बहन पूरी तरह सदमे में हैं। उन्हें अपने परिवार के सदस्य के जाने का गम तो है, लेकिन वो उसके लिए न्याय और अपने परिवार के लिए मदद की मांग करने पर अड़े हुए हैं। सुल्तानपुर से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अफजल खान की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।